हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज की एनर्जी में मैं आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जी देखती हूँ। तो आपकी एनर्जी मेरे राइट साइड में, आपके पर्सन की लेफ्ट साइड में, और जो व्यूवर सिंगल हैं वो राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा आप दोनों का। ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आपकी तरफ फर्स्ट वी हैव जजमेंट, द वर्ल्ड, दोनों मेजर अरकाना, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आज का दिन बहुत स्लो गुजरेगा, बड़ा बोरिंग सा दिन नज़र आ रहा है। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि यार आज तो दिन गुजर ही नहीं रहा, आप बोर हो रहे हैं। आपका कोई काम, आपने कोई काम अगर आज के दिन लिया है तो वो भी कंप्लीट करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा, ये वाली वाइब्स है। फैमिली की तरफ से आज के दिन में पॉसिबिलिटी है कि कोई बर्डन आपके ऊपर आ जाए, मतलब कोई ऐसा काम आपको दे दिया जाए जो आपका पूरा समय बर्बाद कर दे। आपको ऐसा लगे कि यार मेरा तो पूरा दिन ही निकल गया, या फिर ऑफिस में आपका पूरा दिन निकल जाए किसी एक ही काम को करने में, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो ऑफिस में या घर में, बर्डन नज़र आ रहा है। या फिर आज के दिन कोई ऐसी बात आपके ऊपर लाद दी जाए जो आप लादना नहीं चाहते, आपको नहीं चाहिए वो चीज़, बट आपके ऊपर फैमिली प्रेशर देकर आपसे कुछ करवाने की कोशिश कर रही है, आप ना बोल रहे हैं, आप उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, बट फैमिली का प्रेशर है। तो हो सकता है शादी से रिलेटेड हो, किसी जॉब से रिलेटेड हो, किसी करियर से रिलेटेड हो, आप नहीं चाहते उस फील्ड में जाना बट आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, या आप नहीं चाहते उस व्यक्ति से शादी करना बट आपको मिलने का प्रेशर बनाया जा रहा है। कुछ लोगों के साथ इस तरह की वाइब्स हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा भी हो सकता है जैसे कि घर में किसी तरह का डिस्कशन, शादी को लेकर निर्णायक फैसले, या कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है उसको लेकर कोई निर्णायक फैसले, घर में बहुत ज़्यादा प्लानिंग स्ट्रैटेजी, ये वाली वाइब्स है। या ऑलरेडी कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस। तो ओवरऑल समय आपका बीत जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो पूरा दिन बर्बाद कर दिया। इसके अलावा आज के दिन कुछ लोगों के लिए गाइडेड मैसेज है ये कि ट्रैवल के दौरान सतर्क रहें, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। इवन आपकी फैमिली में किसी रिलेटिव से रिलेटेड या कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है, ट्रैवल के दौरान थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। और कोई बैड न्यूज़ आज के दिन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर आपकी साइड में। इसके अलावा कुछ लोगों की लव लाइफ में आज का दिन ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको क्लैरिटी दे दे, ये कह दे सीधा कि मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ये रीज़न है, फैमिली नहीं मान रही, प्रेशर है मेरे ऊपर जिसके कारण, या फिर आपकी फैमिली इतना प्रेशर दे कि आपकी शादी नहीं हो सकती, लव मैरिज, अरेंज मैरिज ही करनी है, इस तरह का कोई सिनेरियो कुछ लोगों के साथ हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग आज के दिन ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल की एनर्जी है, बस ट्रैवल ध्यान से करिएगा, सतर्क रहिएगा। कुछ निर्णायक फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं, अगर आप नहीं भी लेना चाहते कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि आपको लेने पड़ेंगे। ओवरऑल आज का दिन आपका काफ़ी बर्डन जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा रोज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर। अगर आज के दिन कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली वाइब्स आपको परेशान करेगी, आपको ऐसा लगेगा शायद मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, टेंशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल आज के दिन आपको थोड़ा सा एक चीज़ पर ध्यान रखना है, एक तो हार्श ड्राइविंग नहीं करनी है, फैमिली से बहस से बचिएगा, और अगर कोई प्रेशर आपके ऊपर डाला जा रहा है कोशिश करिएगा कि बहस ना करें, डिटैच हो जाएं, थोड़े टाइम अकेले रह लें, ठीक है, ये वाली वाइब से। थोड़ी सी आज आपकी एनर्जी हैवी नज़र आई मुझे। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, सेकेंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड वी हैव द चैरियट, फोर्थ वी हैव द सन, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हैंग्ड मैन,
ओवरऑल एनर्जी वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव एम्प्रेस। आज के दिन देखिए आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, जो भी थर्ड पार्टी है। अगर इनकी लाइफ में इनके हस्बैंड है थर्ड पार्टी, वाइफ है थर्ड पार्टी, या इनके लाइफ में फैमिली है थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी से क्या समझते हैं? थर्ड पार्टी का मतलब हुआ आप दोनों के बीच में जिनके कारण प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें हम यहाँ पर थर्ड पार्टी बता रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन है यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि ओवरऑल आज के दिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन अटका हुआ फील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वाइब्स है, कुछ पुरानी गलतियाँ याद आने की वाइब्स है। ये भी नज़र आ रहा है कि आज के दिन कोई डोमिनेट करेगा इनकी एनर्जीज़ को, और ये नहीं चाहते कि कोई इनको डोमिनेट करे क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी में है। तो ये नहीं चाहते कि कोई इन्हें सुनाए, कोई इन्हें सिखाए, कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, जिसके कारण थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है या अकेलापन फील कर सकते हैं। बिकॉज वी हैव एम्प्रेस विद हर्मिट, तो आपके पर्सन को ना अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, अटके हुए हैं, जिसके कारण आपको इन्होंने दूर कर दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है मजबूरन, तो ये ना इस सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करेंगी या करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन काफ़ी लोगों के पार्टनर रिटर्न आ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो ईगो तो है, ईगो में कोई कमी नहीं है, लेकिन इमोशंस बहुत हाई हैं बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ वाटर साइन। तो ऐसा लग रहा है वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव एस ऑफ कप्स, चैरियट एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आज के दिन प्यार की बरसात हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार मोहब्बत वाली बातें हो सकती हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो ये बातें हो सकती हैं, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो मैसेजेस आ सकते हैं क्योंकि इमोशनली आपको बहुत कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसके अलावा आज इनका मूड ऐसा है जैसे कि ये सबसे प्यार मोहब्बत से बात करें, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना हो तो माफ़ी भी मांग लें। ये इस सिचुएशन में है जैसे कि इन्हें कोई डर नहीं है, कोई रिस्क अगर इन्हें लेना हो तो ये ले सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है इनकी एनर्जी में कि ये आज के दिन अगर ये कहीं जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, इनको प्रॉफिट हो सकता है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन इनको आज के दिन मिल सकती है, बॉस का सपोर्ट मिल सकता है, या फिर करियर में इनको ग्रोथ मिल सकती है। किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तो इनको सक्सेस मिल सकती है। ओवरऑल फाइनेंशियल फील्ड में इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है आज के दिन में। लव लाइफ में भी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक परमानेंट यूनियन की वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन अपने इमोशंस को अगर एक्सप्रेस नहीं कर रही थी या नहीं कर रहे थे, तो ये एक्सप्रेशन ऑफ लव इनकी तरफ से आपको दिखेगा। बहुत समय से अगर ये डिटैच थे तो आपकी तरफ रिटर्न आ सकते हैं। ट्रैवल करते हुए कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन दिख सकते हैं, या तो बिज़नेस के काम से, अपने जॉब के काम से, या फिर अपनी मर्ज़ी से घूमने फिरने, बट ट्रैवल की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन कोई प्राइज़ अगर इनको मिला है, या अगर इनको कोई गिफ्ट मिला है, कार, बाइक, व्हाटएवर, कोई बड़ा गिफ्ट, तो ये आपको कॉल या मैसेज करके ये गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं कि मैंने ये जीता है या मैंने ये अचीव किया है। हैप्पी एनर्जी है आपके पर्सन की। करियर में तो डेफिनेटली इनको आज के दिन सक्सेस नज़र आ रही है। लव लाइफ में कुछ डिसीजंस इन्होंने लिए हैं जो आप तक पहुंच सकते हैं। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी, दोनों साइड की मैंने बता दी है। आपके साइड इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा हेवी लगा मुझे। सो होप आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में, और उसके बाद फिर हम आएंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।